खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। आप देख रहे हैं YMS News 24। आइए देखते हैं आज की खबर जबेरा दमोह मध्य प्रदेश से, पंडित अमित तिवारी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर के साथ। जबेरा थाना अंतर्गत बंसीपुर मार्ग पर ग्राम तबरी में गुरुवार की रात मोटरसाइकिल की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें वंशीपुर की ओर स्कूटी से कपड़े बेचकर आ रहे अशोक साहू साथ में स्कूटी पर सवार पत्नी और जबेरा की ओर से शराब के नशे में जा रहे मोटरसाइकिल सवार छोटे आदिवासी उम्र 20 वर्ष भगवान दास बंशीपुर निवासी ने मोटरसाइकिल से आमने सामने जोरदार टक्कर मार दी। वहां पर उपस्थित ग्राम के लोगों ने एम्बुलेंस के लिए कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही भदर नाले के पास खराब हो गई। फिर पुलिस वाहन की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जबेरा लाया गया, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर बहादुर सिंह द्वारा घायलों को इलाज दिया गया। गंभीर रूप से घायल जबेरा निवासी अशोक साहू को गंभीर चोटें होने की वजह से जबलपुर के लिए रेफर करना पड़ा। 108 एम्बुलेंस खराब हो जाने पर परिजनों ने रोगी कल्याण समिति से संचालित हो रही एम्बुलेंस की सुविधा लेनी चाहिए, परंतु उसके लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ा। बाद में परिजनों ने सांसद प्रतिनिधि रुपेश सेन को जानकारी दी, फिर सांसद प्रतिनिधि ने पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जबेरा में पदस्थ BMO डॉक्टर DK राय को कॉल किया, लेकिन घंटों तक उनका फोन नहीं लगा। फिर सांसद प्रतिनिधि ने जिला CMO से मोबाइल से बात कर एम्बुलेंस की व्यवस्था कर घायल मरीज को जबलपुर के लिए रवाना किया। दो घायल मरीजों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जबेरा में इलाज चल रहा है।